एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और जो लोग चैनल पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक के पराठे बच्चों के टिफिन के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं स्टूल पर बैठ के बना रही हूँ और कुछ सिम्टम्स प्रॉब्लम तो बनी ही रहती है। और उसके बाद बच्चे चले गए थे तो मैं यहाँ पे घी निकाल रही थी, मलाई रखी हुई थी, घी खत्म हो चुका था खासकर पूंजा का, तो उसके लिए मुझे निकालना था। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह ही बना लेते हैं। और इसको मैंने ऐसे मिक्सर जार में चला लिया है, वैसे मैं हाथ से बनाती हूँ पर आज जल्दी था तो मिक्सर में चला लिया है। और इसको आप बिल्कुल चिल पानी में, ठंडे पानी में निकाल लेंगे। ठंडे पानी निकालने से क्या होगा, जो इधर उधर नहीं जाएगा, पूरा एक जैसा, मतलब जैसे गुड़ की भेली होती वैसे बन जाएगी। और इसका आप आराम से हाथ की सहायता से पानी निकाल दोगे तो घी आपका बिल्कुल क्लीन निकलेगा और अच्छा निकलेगा, उसमें कोई भी गंदगी नहीं रह जाती है। मैंने इसको दो तीन पानी से धो लिया था, मैंने एक बार ही दिखाया है आपको। उसके बाद ये मैंने रख दिया है कढ़ाई इस पर, इसको पकने के लिए रख देंगे। तब तक मैं दूसरा काम करूँगी जब तक ये पकेगा। तो घी जब भी पकाना, आप जब भी बनाते हो तो उसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाइए, कभी भी घी को हाई फ्लेम पे नहीं पकाया जाता है, नहीं तो जल जाता है। इसको आप स्लोली स्लोली पकने दो और अपने घर का काम और करते रहो, बहुत अच्छा घी बनकर तैयार होता है। इसको कितने भी दिन रखो रहो कभी नहीं ख़राब होता है। तो उसके बाद ये मैंने निकाल लिया है डिब्बे पे, धो के रखे थे। इसमें मैं पहले भिगा लूँगी बातियाँ, क्योंकि बाती और घी दोनों खत्म थे तो इसमें मैंने बाती भिगो ली और इसमें पूंजा का घी निकाल लिया है। दोनों डिब्बे मेरे पूंजा के हैं। उसके बाद आगे की रिकॉर्डिंग मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी था, मुझे हॉस्पिटल जाना था दिखाने, तो मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल हस्बैंड के साथ, क्योंकि दिखाना था और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है अगर ज़्यादा लेट हो जाए। पर ये मतलब लाइन में नहीं लगना पड़ा मुझे। और अभी दिखा के मैं बाहर आ चुकी हूँ, हस्बैंड दवा ले रहे थे, धूप थी तो मैंने हेलमेट सर पर लगा के खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी आए तो घर चले। उस तुम्हें दिखा के आ गई हूँ घर। फिर उसके बाद दोपहर का लंच मैंने बहुत नॉर्मल सा बनाया था क्योंकि बहुत थकान लगी थी और सो गई थी। उसके बाद अभी उठी है तो बच्चों को लगी है भूख, उनको कुछ खाना है। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत अच्छी चीज़, और इस चीज़ में शायद सबको नहीं मिलती पर मेरे पास है और बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, मैं तोड़ काटती हूँ। तो ये देखो, ये हैं अरबी के पत्ते और बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। ये देखो कितने प्यारे पत्ते, अगर इनको भी कट नहीं करेंगे तो खराब हो जाएंगे पूरे। ये देखो कितने प्यारे प्यारे पत्ते, ये मेरा पुदीना देखो कितना घना। तो अभी मैं इनका बनाऊंगी, या तो पकौड़ियाँ बनाऊंगी या शेंडा बनाऊंगी, तभी इनको करते हैं कट। ये क्या हुआ था, मैंने ये अरबी छोटी छोटी कुछ मुझे ख़राब लगी थी तो मैंने उनको फेंक दिया था, वही अरबी इस जगह जो है निकल आई थी। और इसमें मतलब जो है पानी, क्योंकि इस जगह आता रहता है, छत के पानी गिरता है तो इस जगह नमी बराबर बनी रहती, तो ये पत्ते खत्म ही नहीं होते, काटो फिर तुरंत नए निकल आते हैं। मतलब मैं बना भी नहीं पाती हूँ इस समय, इतने पत्ते निकलते हैं और बहुत ही प्यारे बिल्कुल ग्रीन पत्ते निकलते हैं। तो इसलिए मुझे मतलब पूरा साल ये पत्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे मेरे पास जो है। जब चाहे आप बना सकते, कई बार तो ख़राब हो जाते मैं बनाती भी नहीं। तो अभी इनको मैं लेके आ गई हूँ और इनको धो के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके पीछे का जो मोटा वाला पार्ट है उसको निकाल के इनको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं शेड़ा नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ इसकी, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी तो जल्दी था और उसमें टाइम लगता है तो ये जल्दी बन जाती है। तो इनको पत्ते को बारीक बारीक काट के यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है स्लाइस में कटा हुआ, और बेसन डाल देंगे। बेसन अभी थोड़ा एक कटोरी डाले, उसके बाद जितना अगर कम ज़्यादा लगेगा तो मैं डाल दूँगा। उसके बाद नमक डाल दिया, जीरा डाल दिया, अजवाइन हाथ से क्रश करके डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, मतलब यही सारे मसाले जाएंगे इसमें, क्योंकि जो है चाट मसाला इसमें आप ज़रूर ऐड कीजिए। चाट मसाला डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हल्का सा खट्टापन पकौड़ियों को देना ज़रूरी है। अरबी के पत्तों में किनकिनाहट होती तो ज़रूर देना। उसके बाद यहाँ पर मैंने अदरक और मिर्ची डाल दिया है कूट करके बारीक बारीक। उसके बाद पहले सूखा इसको मिक्स कर लेना, पानी बिल्कुल नहीं डालना, पत्तों के साथ बेसन मसाले सारे सूखे मिक्स कर लेना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे, और उस बेसन मुझे ज़रा सा कम लग रहा था तो मैंने बेसन ऊपर से और ऐड किया है। आप चावल का आटा भी थोड़ा सा ले सकते हो इसके साथ, पर ऐसे ही मेरी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी और कुरकुरी बनी थी। तो
यहाँ पे तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, तेल गरम हो चुका है और इसमें जैसे हम प्याज की पकौड़ी बेसन की पकौड़ी मतलब दाल की पकौड़ी बनाते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा लेके डालते जाएंगे। और यकीन मानिए पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना अरबी के पत्तों की पकौड़ियाँ। इधर मैंने चढ़ा दिया चावल, ये मैंने चढ़ा दिया है सहजन यानी डरमिस्टिक, इसका मैं सूप बना के पीऊँगी क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसके बहुत ही तो बेनिफिट होते हैं, तो मैं इस समय इसको ले रही हूँ जब भी मिल रहा है। तो ये देखिए मेरी कितनी प्यारी और कुरकुरी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई, सच मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे को तो नहीं खाना था पर हाँ एक मैंने खा के टेस्ट की थी, क्योंकि दवाओं के साथ ये सारी चीज़ें मुझे मना है इस समय बहुत ज़्यादा मतलब जो है खाने पीने पर ध्यान रखना पड़ रहा है मुझे, और मैं चाहती हूँ मुझे मतलब जितना सिंपल मैं खा सकती हूँ जो भी बोलेंगे वो खाऊंगी पर मैं ठीक हो जाऊँ। तो आ जाइए आप भी इंजॉय कीजिए बच्चों के साथ, यहाँ पे टमाटो सॉस के और चाय के साथ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं चाय पी रही हूँ पर विदाउट चीनी की चाय ले रही हूँ, वैसे पीती नहीं हूँ सबके साथ लेती हूँ तो बिना चीनी के निकाल लेती हूँ। इस समय अगर पीने का बहुत मन कर रहा है तो ग्रीन टी ले रही हूँ, वैसे ग्रीन टी मुझे अच्छी नहीं लगती पर मजबूरी की कुछ भी करा सकती है आपसे, जब आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना तो आप कोई जहर दे दे और बोल दे खा लो ठीक हो जाओगे तो आप वो भी खा सकते हो। और उसके बाद ये डिनर बना रही हूँ, लोबिया काट के रखा मैंने, लोबिया भी बनाएंगे तो दो तरह की सब्जी बना रहे हैं शाम को। तो भिंडी में मैंने लहसुन प्याज डाल के नॉर्मल सा तड़का दे दिया और भिंडी को भी साथ डाल देंगे और इसको पहले 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनेंगे ताकि भिंडी का जो लिपसिसापन होता है वो निकल जाएगा। उसके बाद इसमें सूखे मसाले डालकर इसको बंद कर देंगे, बस बहुत नॉर्मल से रेगुलर मसाले धनिया मिर्चा हल्दी यही डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे और साथ में उसको भी बना लेंगे हम सब्जी। तो अगर आज का छोटा सा वीडियो मेरा अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गुड नाइट, थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।